Is this the end before we've even begun Should I work against the flow a drop in the ocean so in-lahmaniraheim? <laughs> Assalamu alaikum my YouTube family, guess I'll sub उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ अपनी शॉपिंग जो हमने परसों की थी तो मैंने जो है अपना व्लॉग अपलोड किया था अपनी शॉपिंग वाला तो उसमें हमने अपनी ईद की शॉपिंग की थी डिफरेंट जो है मसाले वगैरह ख़रीदे थे चावल वगैरह तो उसकी डिटेल वीडियो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमने जो है उन चीज़ों में क्या क्या ख़रीदा और आपको ईद के लिए क्या क्या शॉपिंग करनी चाहिए तो जी चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ये देखें मैंने सब कुछ कितने माशाल्लाह अरेंज तरीके से रखा हुआ है तो यहाँ पे देख के मुझे खुद भी हंसी आ रही है क्योंकि मैं जो है ना चीज़ों को उधर उधर जो है पेंग देती हूं ना और सही तरीके से नहीं रखती लेकिन यहाँ पे देख के मुझे भी हंसी आ रही है कि ये देखिए माशाल्लाह से मैंने कितना अच्छा अरेंज किया हुआ है अच्छा यहाँ पे देखिए हमने डिफरेंट मसाले खरीदे हैं और ये देखिए गाइस ये जो है हम ईद की शॉपिंग करके आ गए हैं मसालों वगैरह की तो बस इंशाल्लाह इसमें हम आपको मजे मजे की रेसिपीज बना के दिखाएंगे और आपसे शेयर करेंगे सब कुछ तो अम्मी स्टार्ट हो जाए इसमें क्या क्या है क्योंकि मुझे तो मसालों का ज़्यादा नहीं पता तो ये सारी शॉपिंग जो है ये मेरी मम्मा ने की है और मेरे अबू ने की है और हम बस इंजॉयमेंट के लिए गए थे और ये चीज़ें हमने अपने लिए ली क्योंकि हमें गाड़ी में ना सफर में ये चीज़ें खाने का बड़ा ही ज्यादा शौक है तो बस ये हमने अपने लिए ले ली थी और बाकी थी, हाँ जी और इन अम्मी जो है आजकल डाइटिंग पे है शॉप शॉप वाली डाइटिंग पे <laughs> <laughs> क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना ये हम सभी कहेंगे मिलकर और अम्मी तो इतनी जो है इतनी पाबंद नहीं है डाइटिंग की तो ये हमने डाल लिए इस दाल को क्या कहते हैं अच्छा अभी जो है ना हमारी लाइट गई हुई है ना तो अभी बस यूपीएस में हम बैठे में और मैंने टॉर्च लाइट ऑन की है तो सबसे पहले जो है ये क्या है अम्मी ये कौन सी दाल है की दाल है अच्छा ये हमने ली है माश की दाल तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है हमने सारे दाल लिए और ये हमने चिड़ियों के लिए बाजरा लिए और ये पीछे जो पड़े तो ये सारा जो है ये चावलों का सामान है ये और सारा उजारा का ये, ये जो है ये बासमती चावल लिए हमने ये वाले भी हैं लेकिन ये जो है उन्होंने हमें अपने स्पेशल दिए कि ये जो है हमारे बहुत ज़्यादा स्पेशल राइस है तो आप जो है इनको भी ट्राई करें अच्छा और ये अम्मी आपको दिखा रही हैं अभी और ये देखें गाइस ये जो है ये बहुत ज़्यादा मज़े के और ये जो है ये सबसे महंगे वाले चावल उन्होंने हमें दिए हैं तो कहते हैं कि ये जो है आप ट्राई करें और ये हमारे सबसे बेस्ट चावल हैं ओके गाइस तो ये जो है ये बासमती चावल थे ये भी हम पूरी की पूरी बोरी भर के ले आए हैं क्योंकि हम चावल जो है बहुत ज़्यादा खाते हैं ना नॉर्मल लोगों से हमारी रोटी नहीं कुछ हटके और ये देखे ये वाले जो है ये आ, मोटे चावल हैं जो हमारे पिछाड़ वाले ज़्यादा खाते हैं और उसमें जो है ये इसमें हम डालते हैं पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं ये नेम मुझे नहीं पता तो आप पता ये आप लोग मुझे बताइएगा कि इसको क्या नेम कहते हैं ये देखिए पश्तो में इसको मैं कहते हैं है? है? अच्छा तो बस ये हमने ले लिए हैं और ये कुछ मसाले वगैरह हमने ले लिए और अम्मी मुझे तो ईद का बड़ा ही ज़्यादा इंतजार है कि ईद कब आएगी <laughs> कि ये सारी चीज़ें मज़े मज़े से हम खाएँ और ये किशमिश जो है ये हम चावलों के लिए लाए हैं काबली पुलाव वगैरह बनाने के लिए और डिफरेंट टाइप्स के राइस जो है हम डिफरेंट बनाते हैं तो उसमें ये यूज़ होते हैं उसके बाद जो है ये चने हैं तो ये भी चावलों के साथ ही लाए हैं हम और ये डिफरेंट मसाले हैं ये कढ़ाई गोश्त वाला मसाला है और ये देगी पुलाव अच्छा ये हम जो है फर्स्ट टाइम लाए हैं तो इसको इस बार ट्राई करेंगे कि ये कैसा बनता है और इसके बाद जो है टिक्का मसाला और इसके अलावा कौन कौन से हैं अच्छा ये भी उनकी स्पेशल बिरयानी मसाला था उनका जिनसे हम ये मसाले लाए हैं तो ये भी उन्होंने कहा कि ट्राई करें ये भी बहुत बेस्ट है तो ये भी इस बार ट्राई करेंगे इसके अलावा जो है चिकन हांडी मसाला है और ये शान का बम्बे बिरयानी मसाला और ये गलने का पाउडर है ना तो पपीता वगैरह जो होता है तो उसका है यहाँ पे ये हम लोबिया और दाल वगैरह ले आए हैं और ये बाजरा जो है ना ये हम चिड़ियों के लिए लाए हैं ना तो ये अम्मी जो है ऊपर डालती है चिड़ियों वगैरह के लिए क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो पानी भी ज़्यादा पीते हैं और खाने वगैरह का भी पता नहीं होता उनका तो ये भी हम ले आए हैं उनके लिए स्पेशल ये दाल और इनसे शामी कबाब वगैरह हम सब आपके साथ जो है रेसिपीज ट्राई करेंगे ये दाल वगैरह जो है ये ये वाले दाल हैं इसको कौन से दाल कहते हैं चने, चने की दाल तो इस चने की दाल से हम इंशाल्लाह शह शामी कबाब की रेसिपी भी बनाएंगे और दाल गोश्त वगैरह तो डिफरेंट टाइप्स की अच्छा ये हम कद्दू लेके आए हैं ये भी बहुत ज़्यादा फ्रेश थे तो अम्मी जो है वो तो कद्दू की फैन है तो ये जो है उन्होंने ले लिए साथ में उन्होंने ये मिर्चें वगैरह ले लिए अच्छा ये जो है ना ये मैंने स्पेशल आप लोगों को दिखाने के लिए लिए हैं कि माशाल्लाह ये देखें अल्लाह ताला की क्रिएशन देखें कितने ज़्यादा लंबे लंबे हैं ये ये देखिए ये मिर्चें तो माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं अच्छा ये जो है हमने तिल्हार मिर्च ली तो है तो ये सालन में बहुत ज़्यादा मज़े का इसका कलर आता है तो इसमें मसाला वगैरह और ऐड ना भी करें या कलर फूड कलर ऐड ना भी करें तो इसकी वजह से जो है कलर बहुत ज़्यादा मज़े का आता है ये देखिए और ये लेमन वगैरह हम ले आए हैं और ये तो हम नॉर्मल रूटीन के लिए हमने गोश्त ख़रीदा है तो बस इन देखेंगे कि कल इसमें हम क्या रेसिपी बनाते हैं तो इससे हम कीमा भी करेंगे क्योंकि हमें होम होम मेड कीमा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी अम्मी घर में ही बनाती हैं और साथ ही जो है हम इससे डिफरेंट टाइप्स के सालन भी बनाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे अच्छा ये देखिए इलायची और इलायची तो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है ना कि बहुत सारी चीज़ों से इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो ये हम जो है ये ग्रीन टी के लिए लाए हैं और और ये हम जो है हलवा वगैरह के लिए लाए हैं साथ में इसमें जो है और भी चीज़ें बनती है और क्या बनता है अम्मी हाँ इसमें वो मीठे चावल भी बनते हैं ना तो वो इसमें बनाएंगे इंशाल्लाह और ये बाकी चीजें जो है ये तो हमारे खाने के लिए हैं ये स्नैक्स वगैरह तो बस ये, ये और ये देखिए ये भी हमने जो है ये भी हलवे के लिए लिया है इसके अलावा ये मसाला जो है ये हमने आ, स्पेशल जो है कबाब वगैरह कोफ्तों के लिए और बेसन और पकौड़ों के लिए पकौड़ों के लिए ना इसके लिए हम लाए हैं और ये जो है ये गरम मसाला है साबुत गरम मसाला तो इनशल्ला ये जो है ये भी हम आपको बताएंगे कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं उनसे मिक्स करवाई हैं और इसको हम किस तरह से बनाएंगे ये हम आपके सामने बनाएंगे हाँ जी ये हम जो है आपके सामने बनाएंगे और कल इंशाल्लाह इसको ज़रा धूप भी देंगे उसके बाद इसको ज़रा तवे हाँ पे गरम करेंगे और उसके बाद इसको बनाने का तरीका आपको सिखाएंगे साथ ही ये ज़ीरा है तो इंशाल्लाह इसको भी कुछ मैश करेंगे और कुछ जो है ऐसे ही साबुत रहेगा और ये जो है आ, काली मिर्च है अच्छा काली मिर्च जो है ये भी बड़ी महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है तो आजकल ना बहुत ज़्यादा सब कुछ महंगा हो गया और इस बार तो माशाल्लाह से बजट भी ऐसा आया है कि बहुत ज़्यादा महंगाई साथ लेके आ गए और ये है साबुत धनिया तो इसको भी हम ग्राइंड भी करेंगे और कुछ को जो है हम ऐसे ही भी छोड़ेंगे और ये देखिए गाइस लाइट आ गई है हमारी तो बस ये पाकिस्तान के हालात हैं और ये लास्ट में अच्छा ये देखिए ये अदरक पाउडर है तो ये अदरक पाउडर हम ले आए हैं कि ये भी डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है और साथ में ये तेज पत्ता है तो बस यही थी हमारी आज की शॉपिंग और ये टोमेटो वग़ैरह हम ले आए हैं मिल्क वग़ैरह चीज़ें कुछ कम थी तो वो बस किचन में हमने पहले से अभी रखवा दी हैं कुछ यूज़ हो गई हैं तो बस यही थी आज की मेरी शॉपिंग और आई होप कि आपको जो है आज की शॉपिंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी आपने बहुत सारी टिप्स इससे ली होंगी और आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग जो है ईद के लिए क्या क्या शॉपिंग करके लाते हैं और क्या क्या आपकी ईद के लिए रूटीन है तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में ओके गाय सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई ईद मसाला शॉपिंग आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इससे बहुत सारे आइडियाज़ लिए होंगे और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग अपनी ईद की शॉपिंग जो है किस किस तरह से करते हैं अच्छा यहाँ पे जो है हम पहले सोच रहे थे कि हम जो है कुछ नहीं बनाते ना उसके बाद हमारा प्लान चेंज हो गया क्योंकि मेरी सिस्टर्स भी घर पे थी और उनके पेपर्स थे तो उन्होंने डिनर नहीं किया था तो बस फिर हम इन्हें प्लान चेंज कर दिया और मसाले वगैरह तो वो वैसे भी लाई थी तो उन्होंने सोचा कि काबली पुलाव ही बना दे तो ये देखिए माशाला से कितने मज़े के चावल बने हैं और ये बिल्कुल झटपट बने थे तो इसकी रेसिपी तो मैं खैर शेयर नहीं कर सकी क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी में बनाए थे और जब मैं किचन में गई तो ये माशाला से रेडी थे जब मैंने ये टेस्ट किए ना तो ये इतने मज़े के इतने ज़्यादा यमी थे कि मुझसे तो बिल्कुल रहा ही नहीं गया और मैं इसी प्लेट में स्टार्ट हो गई खाना तो जी बस यही था मेरा आज का व्लॉग आई होप कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर मस्त कर दिया करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ बब बाय